साथियों, कभी कभी कोई बीमारी लंबे समय तक ठीक न हो तो वो बीमारी ही शरीर का हिस्सा बन जाती है। हमारे राष्ट्र जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी अनेक बीमारियों ने देश को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी अधिकतर ऊर्जा इनसे लड़ने निपटने में ही लग जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कितने साल तक हम इन बीमारियों का बोझ ढोते रहते हैं और कितने साल तक टालते रहते हैं? आप सोचिए, जब देश आजाद हुआ तब से कश्मीर में समस्या बनी हुई है। वहां की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? तीन चार परिवार और तीन चार दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं, बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर को आतंक ने तबाह कर दिया। आतंकवादियों के हाथों हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं, कहीं पर वहीं के रहने वालों को, लाखों लोगों को एक रात में घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने को मजबूर कर दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आतंकियों की हिम्मत बढ़ाने वाली यही सोच थी। सरकार को, प्रशासन को कमजोर करने वाली यही सोच थी। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का पान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? जी नहीं, कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। सत्तर साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसी प्रॉक्सी वॉर में भारत के हजारों नागरिक मारे गए, हजारों जवान शहीद हो गए, लेकिन
इसके पहले इसे लेकर के क्या सोचते? वो लोग सोचते थे कि आतंकवाद, ये आतंकी हमले, ये बम धमाके, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसी सोच की वजह से बम धमाके होते गए, आतंकी हमलों में लोग मरते गए, भारत मां लहूलुहान होती गई। बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इसका परिणाम क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी शांति कायम होती चली जा रही है। अलगाववाद, आतंकवाद को सीमित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और उखाड़ फेंकने का दिन भी दूर नहीं होगा।